आ गया है। अब जाते जाते जो इस साल की सबसे बड़ी खुशी थी वो क्या थी, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स। भारत सरकार को बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद, आपने हमारी सुनी, आपने हमारी मिन्नत सुनी, आपने इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझा, आपने इस इंडस्ट्री की पावर को समझा, आपने समझा कि भारत देश की बेरोजगारी दूर करने में इंडस्ट्री बहुत बड़ा सहयोग करेगी। आज मैं और मेरा SNEPS परिवार भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता है, बहुत बहुत धन्यवाद करता है, तहे दिल से धन्यवाद करता है कि आपने हमारी इंडस्ट्री को लीगल कर दिया, लीगलाइज कर दिया, आपने हमें रूल्स दे दिए, हमें जो लोग कुछ समझते नहीं थे, जो हमारी पहचान नहीं थी वो पहचान आज भारत सरकार आपने कराई, आपने हमें वो सम्मान दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी भारत सरकार को AWPL परिवार की तरफ से। और हाँ, रूल्स के अंदर अगर कोई चीज़ ऐसा आपको लग रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, होता है, कोई भी रूल्स आता है, जब सरकार रूल्स बनाती है तो सारी चीज़ें परफेक्शन में नहीं आती, कुछ चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, कुछ ऐड भी हो सकती है, कुछ माइनस हो सकती है, कुछ प्लस हो सकती हैं, तो क्लेरिफिकेशन वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट आपको जल्दी ही दे देगी। तो ये जितने भी कोई वीडियो बने हैं, उल्टी सीधी बातें किसी ने की हैं, वो सब लोग बकवास कर रहे हैं, किसी की दिमाग बातों पे नहीं जाना, क्योंकि वो आधी अधूरी नॉलेज लेके घूम रहे हैं। मैं पूरी इंडस्ट्री में ये कमिट करता हूँ, पूरी इंडस्ट्री भारत देश की हर कंपनी के हर डायरेक्ट सेलर से, कि रूल्स आपके फेवर में ही आए हैं, रूल्स आपके फेवर में ही आएंगे, और जो क्लेरिफिकेशन है वो सरकार दे देगी। सरकार के लोगों को मैं धन्यवाद करना है, उन्हें थैंक्स बोलना है, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अगर कोई लाइन एक दो मिस हो जाती है, एक दो लाइन नहीं आती, तो वो जुड़ जाती है, जुड़ जाएगी। एंड आई कमिटेड टू ऑल इंडस्ट्री, इट विल बी इन 3, 4, 5, 8, 9, 10 days, जो चीज़ आपको लगता है मिस हो गई है, वो सारी चीज़ें प्लस होके आ जाएंगी। आज इंडस्ट्री को जश्न मनाने का दिन है, आज इंडस्ट्री को संगठित होने का दिन है, सबको एक होने का दिन है, एक अच्छी इथिकल वैल्यूएबल डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने का समय है। और जो भी लोग इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, उन सबका वेलकम है इस इंडस्ट्री में। लेकिन जो अनइथिकल लोग हैं, नॉन इथिकल लोग हैं, इन्वेस्टमेंट है, सावधान, तुम्हारा बुरा समय शुरू होता है अब, क्योंकि अब भारत सरकार ने इथिकल कंपनियों के लिए रूल्स बनाए हैं और इन्वेस्टमेंट प्लान को 100% बैन किया है। तो आप सब लोग सुधर जाएं, समझ जाएं, और जो प्रोडक्ट की आड़ में गलत काम कर रहे हैं, भैया आप लोग भी अच्छा काम कर लो, अपने आप को करेक्ट कर लो, सुधार लो। मार्केट में कंपनियां रहनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, एक ही कंपनी राज नहीं करेगी, सभी कंपनियां काम करें, सभी कंपनियों के लीडर्स अचीवमेंट करें, सभी डायरेक्ट सेलर अपने कैरियर फ्यूचर बनाएं, वो चाहे किसी भी कंपनी के हों, लेकिन एक अच्छी इंडस्ट्री का निर्माण करो। सरकार ने जब आपको इतना प्रेफरेंस दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, आपके लिए रूल्स लेके आई है, तो सरकार के रूल्स का रिगार्ड हमें भी करना है, एज ए कंपनी भी, एज ए डायरेक्ट सेलर भी। दोस्तों, सरकार ने हमें ड्यूटियां दी हैं, ये कंपनी को ड्यूटीज दी है कि आपको ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर को ड्यूटी दी है कि आपको ऐसे काम करना है। तो आज तक आप सबने जैसे भी काम किया हो रहा था, लेकिन अभी आने वाले समय में मैं एक मीटिंग लूंगा, या तो लाइव आना पड़े अगर कोविड या ओमिक्रॉन की सिचुएशन रही, या मैं टोपाज एंड अबव अपनी कंपनी के सभी डायरेक्ट सेलर, या अमरान एंड अबव का एक जूम सेशन लूंगा, जिसमें उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के रूल से रूबरू कराऊंगा, कंपनी को क्या करना है और डायरेक्ट सेलर की ड्यूटीज क्या क्या है। क्योंकि दोस्तों, अभी एक इमेज बिल्डिंग बिजनेस हो गया, अभी एक ब्रांड होगी डायरेक्ट सेलिंग, अब डायरेक्ट सेलिंग की एक जगह बनी है भारत देश में, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जगह है, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग की जगह है। तो कोई भी डायरेक्ट सेलर पढ़ लेना, रूल्स वगैरह में लिखा है, अगर आप लोग पढ़ सकते हो, अपनी ड्यूटीज का निर्वाह जरूर करना। गवर्नमेंट ने जो लिख के दिया है, कस्टमर हमारा किंग है, कस्टमर हमारा भगवान है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही सब कुछ है, अपने कस्टमर के साथ हमें ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम करना है। नो बल्क सेलिंग, कोई बल्क परचेज नहीं करानी, कोई मिस कमिटमेंट नहीं करना, आई कार्ड हमेशा अपने पास रखना है, ये डायरेक्ट सेलिंग के रूल है। विदाउट आई कार्ड बाजार में बिल्कुल नहीं जाना, प्रायर अपॉइंटमेंट्स लेनी है, एक अच्छे प्रोफेशनल वे से काम करना है। 25 साल जो जैसे गए चले गए, लेकिन आज आप रूल्स के साथ हो, यू आर द प्रोफेशनल। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये जितनी भी इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, आप डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, तो जैसे प्रोफेशनलिज्म होता है वो आपको अपनाना है, आपको भी एक घर से निकलते समय एक प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके निकलना है।
एक फीलिंग लेके निकलना है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डायरेक्ट सेलर हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी भी कुछ ड्यूटीज हैं, उनका निर्वाह आपको करना है। और थैंक्स टू ऑल एसोसिएशन कि रूल्स लाने में आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, IDSA हो, FDSA हो और ADSEI हो, ADSEI एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया, और उनके सेक्रेटरी हेम पांडे जी जो कि चीफ सेक्रेटरी रहे हुए कंज्यूमर अफेयर्स में, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस बनाने में बहुत बड़ा सहयोग और योगदान किया, इसकी वजह से ये रूल्स बन पाए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हेम पांडे जी आज ADSEI के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये रूल्स को लाने में बहुत सुपर डुपर मदद की है। मैं तो कहता हूँ 80% क्रेडिट गोज टू हिम ओनली, तो इसलिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, ADSEI के पेज को, फेसबुक पेज को, इंस्टा को, ट्विटर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और फॉलो करें। आपको इंडस्ट्री के बारे में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि आप इंडस्ट्री भारत सरकार की गाइडलाइन से चलेगी तो आपको काफी नॉलेज से आप अपग्रेड रहेंगे। तो ADSEI के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। और